पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले चुनावों की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने आज की बैठक में ये फैसला लिया है कि अब यहां 20 फरवरी को चुनाव होंगे। इसी के साथ पंजाब में पूरी चुनाव प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने संत रविदास की जयंती होने के चलते पत्र लिखकर चुनाव आयोग से तारीख बढ़ाने की अपील की थी। उत्तराखंड से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि वह अपने और परिवार के लिए टिकट का दबाव बना रहे थे। धामी के अनुसार पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। पंजाब में कल आम आदमी पार्टी के सीएम फेस का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने जनता से राय ली है। केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले एक नंबर जारी किया था जिसके जरिए जनता को सीएम फेस के लिए सुझाव देने की बात कही थी। अब मंगलवार को पता चलेगा कि पंजाब में आपकी तरफ से मुख्यमंत्री के लिए कौन लड़ेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक छात्र के आत्महत्या करने के मामले पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ दलित होने के चलते रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। साल बीत रहे हैं लेकिन वे आज भी प्रतिरोध का प्रतीक है और उनकी साहसी माँ उम्मीद का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों ने सरकार को झुका दिया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए चुनावों में अन्न संकल्प लेकर उतरेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आचार्य प्रमोद की चिंता करते हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें, आचार्य हमेशा सचिन पायलट को राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। राजस्थान भाजपा में अब दायित्ववान कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के काम और परफॉर्मेंस के आधार पर बदलाव होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने इसके संकेत दिए हैं। पूनिया ने कहा कि पार्टी के भीतर इस बारे में विचार चल रहा है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर तंज कसा है। रामलाल ने कहा कि सरकार ने गांव के विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। ग्राम पंचायतों को मिलने वाला SFC का पूरा पैसा भी नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश के ग्राम पंचायतों का विकास रुक गया है। एक बार फिर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए मांग उठने लगी है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री को राजस्थानी में पत्र लिखकर कहा कि कई साला सु राजस्थान रा लोग प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने मैं चिट्ठी लिखकर निवेदन करती हूँ कि राजस्थान रा लोगा ने प्रधानमंत्री गौरवान्वित पलारी अनुभूति करा दे। खेतड़ी के जवान अनिल कुमार के शहीद होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई दिग्गजों ने शोक जताया है। सीएम गहलोत ने शहीद के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल समय में हम शहीद के परिजनों के साथ खड़े हैं।